सहारनपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ से हिंदू के पलायन पर कहा है कि यूपी में कोई पलायन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के रहते यूपी में कोई पलायन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं बचा है, चुनाव में मिली हार के बाद उनके पास कोई काम नहीं बचा है, ये उनकी ओर से की गई एक साजिश है। और उन्होंने कहा कि जो मेरठ का मामला आया है वो एक स्थानीय वजह है जिसके लिए प्रशासन को कहा गया है और जल्द ही यह मामला सुलझा लिया जाएगा। कोई पलायन नहीं है उत्तर प्रदेश में। हम लोगों के आने के बाद कौन पलायन करेगा? हमारे आने के बाद देखिए, सबसे संवेदनशील स्थल केराना था और कांडला था। केराना के उद्यमियों के बयान आज आपने पढ़े होंगे और मुझे लगता है हिंदुस्तान को अगर आप देखेंगे, जो लोक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है हिंदुस्तान, आज उसको देखिए, उसमें उन्होंने कुछ उद्यमियों के बयान उसमें लिखे हैं। केराना में 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या हुई है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं ये स्थिति आ चुकी है, तो उनको जब कुछ नहीं मिल रहा है, हम पे जो आरोप लगाया जाता था आज वो हमारे ऊपर फिर ठीक उल्टा वार करना चाहते हैं। संभवतः सफल नहीं हो सकता है। हम लोगों के रहते प्रदेश के अंदर कोई भी प्लान नहीं हो सकता है, कोई प्लान की कोई समस्या नहीं। स्थानीय कुछ बातें उनकी आपसी विवाद की हो सकती हैं, उसको भी हमने प्रशासन से कहा है कि बैठकर उसका समाधान निकालें, लेकिन सरकार का जो पहले से रहा है क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस, और सरकार उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। तो मेरठ से हिंदू के पलायन पर सीएम योगी का बयान, उनका कहना कि कोई भी पलायन नहीं हुआ और यूपी में उनके रहते कोई पलायन हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि मेरठ की जो घटना है वो एक स्थानीय वजह है और स्थानीय वजह की वजह से ये मामला है और इसलिए प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रहते यूपी में कोई पलायन नहीं हो सकता, यूपी में मॉब लिंचिंग की भी कोई घटना नहीं है। मेरठ से हिंदू के पलायन पर सीएम योगी ने यह बयान दिया है।